उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के थर्डवे चीनी की पीएससी कैंडिडेट के मेडिकल लगातार चल रहे हैं और ये प्रक्रिया 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो गई थी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 5 अगस्त 2021 का परिणाम कहाँ का किस प्रकार से रहा। तो मैं आपके साथ लाइव दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आज चस्पा किया गया है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बाराबंकी के सफल अभ्यर्थियों की सूची, असफल अभ्यर्थियों की सूची और अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची। ओवरऑल मैं आपको बता देना चाहूँगा जो आज 5 अगस्त 2021 का परिणाम रहा है उसमें 95% से अधिक बच्चे पास हो रहे हैं और मेडिकल नॉर्मल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के रिजल्ट की लिस्ट क्या क्या है और किस प्रकार से आपको दी गई है। पहला मैं आज आपसे बात करूँगा, ये बाराबंकी का रिजल्ट है और बाराबंकी का रिजल्ट जो हमारे साथ डिस्कस किया गया है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो 100 है, यानी कि 100 अभ्यर्थियों की यहाँ पे बात की गई है। 100 अभ्यर्थी यहाँ पे कुल बुलाए गए थे, जिसमें से कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और उसके बाद कुछ अभ्यर्थी उपस्थित भी रहे। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि क्या रहा परसेंटाइल, वो चीज़ आप काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ों को समझिए और देखिए। हम गिनते हैं असफल अभ्यर्थियों की संख्या, यह असफल एक यहाँ पे रहा। इसके बाद चलते हैं हम और आगे की तरफ, ये नंबर जोड़ के 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एज वेल अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर पहुंचने में हमें एक और मिल चुका है, यहाँ पे 5वां नंबर हमें मिल गया है। ये 5 कैंडिडेट पहले पेज में असफल रहे हैं, बाकी कुछ कैंडिडेट अनुपस्थित रहे और सभी के सभी सफल हो चुके हैं। देखते हैं दूसरे पेज में हमें क्या मिला। तो दूसरे पेज में हम 37 नंबर से स्टार्ट हो गए हैं, अभी तक 4 कैंडिडेट की संख्या हो चुकी है और असफल वालों की। उसके बाद इस पेज में हमें असफल की संख्या बिल्कुल नामुमकिन तरीके से देखने को मिल रही है और कोई भी अभ्यर्थी इस पेज में असफल दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं इसके बाद अगले पेज की ओर। अगला पेज हमें 76 से 100 का आंकड़ा दिखाता है, जिसमें कि हमें एक अभ्यर्थी असफल दिखाई दे रहा है, बाकी के सभी अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। अब आप यह संख्या देख लीजिए कि कुल संख्या जो हमारे पास थी वो थी 100, जिसमें से 5 अभ्यर्थी हमारे फेल हुए। तो पास होने वाले कितने थे, 95 क्या होंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित भी रहे। तो पासिंग स्कोर 95% से ऊपर चला गया है, पासिंग स्कोर 95% से ऊपर चला गया है। उसका कारण क्या है कि कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि अगर आपका भी पीएससी का मेडिकल होने जा रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, एडमिट कार्ड को प्राप्त करें और एडमिट कार्ड मिलने के साथ ही आप अपने निर्धारित पीएससी वाहिनी पहुंचकर अपना मेडिकल परीक्षण करा लें। साथ में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी चल रहा है, तो वो प्रक्रिया पहले से ही साथ में होती है, इस बार भी हो रही है, तो कोई उसमें तकलीफ वाली बात है नहीं। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि आज 5 अगस्त 2021 का परिणाम कितने प्रतिशत रहा, तो 95% से अधिक बच्चे यहाँ पे मेडिकल परीक्षण में पास हो रहे हैं। इसलिए सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, कोई तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के पीएससी अभ्यर्थी, वे सभी जो मेडिकल दे चुके हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जो सफल हो गए हैं और जो किसी कारणवश असफल हो गए हैं वो परेशान ना हो। आपके लिए वहाँ आपत्ति भरने का ऑप्शन दिया गया होगा, आप भी मेडिकल दे सकते हैं, उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है जैसे कि मेडिकल का प्रोसेस होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही चीज़ चेक होगी जिसमें आपको रिमेडिकल दिया गया होगा। इसलिए धैर्य रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। साथ में बता देना चाहेंगे जो आने वाले कैंडिडेट हैं जिनके 6 तारीख 7 तारीख या आने वाली डेटेड में मेडिकल होने हैं, उनके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे कहूँगा बेस्ट ऑफ लक है ये आपके लिए। आप इसे भुनाने का पूर्ण प्रयास करें, किसी भी कीमत पर आपको कोई ऐसा नुकसान ना हो। इसलिए स्वयं को कॉन्फिडेंस रखें, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लेते हुए मेडिकल नॉर्मल कराया जा रहा है, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जा रही है। इसलिए जाइए और अपना मेडिकल बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कराइए, नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होगी। आगे की हर एक अपडेट और प्रतिदिन की लिस्ट जो मेडिकल का पास आउट रहता है, कहाँ कहाँ कितना कितना रहता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, जाके वहाँ से आप रेगुलर बेसिस पर हर एक अपडेट को प्राप्त कर सकते हैं। आज अगर प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।